वो भी बताना पड़ेगा और भी बताएं। और हम लोगों ने पूरे मंत्रिमंडल ने यह भी निर्णय लिया है कि जो मैया सम्मान योजना है वो दिसंबर से उस मैया सम्मान योजना को जो 1000 रुपए का है उसको बढ़ा करके 2500 रुपए चुनाव से पहले मास्टर स्ट्रोक खेल गए, चुनाव से पहले मास्टर स्ट्रोक खेले। देखिए हम लोग घोषणा नहीं कर रहे, हम लोग जो कहते हैं वो हम लोग काम कर रहे हैं। ये घोषणा वाली सरकार ने हमारे विपक्ष को तो 5 साल में कुछ दिखाई नहीं। अभी आप लोगों ने देखा, आप अपने आंखों से भी, अपने कैमरे की आंखों से भी देखा कि नहीं, अभी हम लोगों ने प्रोजेक्ट भवन के सभागार में कितने बड़े तादाद में छात्र छात्राओं को नियुक्ति पत्र देने का काम किया। अब हम लोग जो विपक्ष के जो ख्याली पुकाव है वो अब पकने वाले नहीं, और इसमें एक महत्वपूर्ण आज चर्चा हुई है और वो है कि झारखंड के आदिवासी मूलवासी इस देश के कई राज्यों में ले जाया जाकर बसा दिया गया, जिसमें कुछ असम हो, अंडमान निकोबार हो, अन्य जगहों पर मूलवासी आदिवासियों को वर्षों से वहाँ पर रह रहे हैं, जो अंग्रेजों के द्वारा वहाँ उनको ले जाया गया काम कराने के लिए, और लगभग इनकी संख्या 15 से 20 लाख। मुझे कई बार उन लोगों के द्वारा हमारी मुलाकात होती रही है और अपने अधिकार के लिए उन राज्यों में संघर्षरत। सर्वविदित है यहाँ के आदिवासी असम के चाय बगानों में काम कर रहे हैं, वो भी एक आदिवासी समुदाय के हैं, अंडमान निकोबार में भी हैं, वो भी एक आदिवासी है, लेकिन उनको अभी भी वहाँ पर आदिवासी की दर्जा प्राप्त नहीं। और आदिवासी कल्याण विभाग मंत्रालय के द्वारा जो बनाया जाता योजना है उसका भी लाभ उनको नहीं मिलता। तो इस संदर्भ में हमारी सरकार ऐसे सभी मूलवासी को झारखंड वापस आने का न्योता देती है, और ये जो समस्या है इस समस्या और आवश्यकता को जानने के लिए एक समिति बनाई जाएगी, मंत्री के स्तर पर उसके नेतृत्व पर, कल्याण मंत्री के नेतृत्व पर, और सर्वदलीय समिति होगी और उन जगहों पर ये प्रतिनिधि मंडल जाएंगे और वहाँ के जो समस्या है उसका आकलन करेंगे और राज्य सरकार को अवगत कराएंगे। उनकी जो आवास की समस्या है, आदिवासी दर्जा की समस्या है, उनको नौकरी की समस्या है, उनकी राज्य में अधिकार की समस्या है, वो उनको कैसे प्राप्त हो इस पर राज्य सरकार पहल करेगी। असम की टाइप जो है वो भी शामिल है सर? बिल्कुल।